अस्सलाम वालेकुम एसटी इन्फ्लुएंसर्स, एक बार फिर हाजिर एक नए मेहमान के साथ। और आज के हमारे मेहमान हैं शौकत अली यूसुफ़ज़ई साहब, जो कि मेरे उस्ताद हैं। प्रोफेशन के एतबार से वो एक स्टैटिस्टिशियन हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और पिछली दो डेकेड से वो ट्रैकिंग के साथ मुंसलिक हैं। अभी वो मेंबर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ नेशनल ट्रैकर्स मीटअप के, मेंबर हैं वो सवात रॉक क्लाइंबिंग सोसाइटी के। इसके साथ साथ वो मदद करते हैं ट्रैकिंग के टूर्स को प्लान करने के लिए लोकल और फॉरनर्स दोनों के लिए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी नई लेक्स डिस्कवर की अपनी टीम के साथ, जो के हिडन थी, जो के लोगों की नजरों से ओझल थी। और यही यहाँ पर ही उनका तारुफ खत्म नहीं होता, बल्कि वो इस चीज को एज अ मिशन लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वो मेरा ख्याल है कि इसको एज अ प्रायोरिटी नंबर वन देखते हैं। तो आज हमने इसीलिए उनको अपने साथ इन्वाइट किया कि वो आके हमें अपनी जुबानी बता सकें कि वो क्या कर रहे हैं, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पर क्या चीज़ें की जाएं तो पाकिस्तान में टूरिज्म और ट्रैकिंग को प्रमोट किया जा सकता है। तो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा शौकत साहब से कि वो प्लीज़ अपना तारुफ करवाएं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तैमूर अब्बास और शाहिद। मेरा नाम शौकत अली यूसुफ़ज़ई है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सवात वैली से, जिसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। बहुत प्यारी वैली है, तो इससे जो है मैं बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली जो है तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, लेकिन ट्रैकिंग जो है और हाइकिंग ये मेरी एक हॉबी है इसको समझ लें, और बल्कि पैशन है जिसको मैं तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में एक हमारा अपना क्लब भी है, और हम लोग जो है वक्तन फवक्तन जो है उन एरियाज को, पाकिस्तान के उन खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं जो अमूमन लोगों की नज़रों से ओझल हैं, और वो फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को दिखाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स के ज़रिए, टीवी चैनल पे। और मैं उसका मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तान हमारा जो प्यारा मुल्क है वो लोगों को हम दिखाएं तो कितना खूबसूरत है, कितना पुरअमन है, और लोग जो है किसी और तरफ ना देखें, बल्कि जो कुछ जो भी उनको समर हॉलीडेज़ में या जब भी उनको कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना हो तो किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो यहाँ पाकिस्तान आए और नॉर्दर्न एरियाज आए और इसको एक्सप्लोर करें और इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बता सकेंगे कि अगर मैं आपसे यूँ पूछूं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को किस हद तक आपने एक्सप्लोर किया है? अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, और अगर मैं आपको कहूँ कि ये तकरीबन दो दहाइयों से मैं जो है इस फील्ड में हूँ और एक्सप्लोरेशन और ये सिलसिला हमारा चलता रहता है, और बेशुमार इलाके मैंने देखे हैं, स्पेशली सवात और शांगला, दीर, चित्राल, हज़ारा, कश्मीर, जीबी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा या बहुत ही के पाकिस्तान और स्पेशली नॉर्दर्न एरिया जो है उनमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है कि वो आप उसके लिए वो इस तरह कहते हैं उम्र खिजर चाहिए, बहुत ही एक लंबा अरसा चाहिए। तो लेकिन एक्सप्लोरेशन जारी है, और ज़्यादातर जो मेरा काम है या ट्रैकिंग है वो सवात में है, और उसके अलावा शांगला और दीर का जो एरिया है और चित्राल, तो इसमें ज़्यादातर। और इनमें जो सबसे फेवरेट एरिया है अगर मैं पूछूं तो वो कौन सा होगा? फेवरेट एरियाज देखिए, नेचर जो है वो
आपको पता है ना कि ये तो नेचर हर जगह उसका हर रंग जो है वो प्यारा है, खूबसूरत है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप पूछना चाहते हैं तो दो मेरी फेवरेट जगह हैं, वो एक तो सवात में कंडोर लेक है, वो बहुत मेरी फेवरेट जगह है और मैं कई दफ़ा वहाँ जा चुका हूँ, और सेकेंडली जो है आपने सुना होगा कुमराट धीर साइड पे, जहाँ आजकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए थे, और वो जहाज बांडा और कटोरा ले, ये बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे खुद बहुत पसंद जी। बहुत अच्छा लगा कि आप आज हमारी इस वीडियो का हिस्सा बने, और आपका तौर जान के भी बहुत अच्छा लगा। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग का और नॉर्दर्न एरियाज का। आप वैसे बताना पसंद करेंगे कि आपको ये वाला काम करने का शौक कैसे डेवलप हुआ? जिस तरह मैंने कहा है कि बेसिकली मैं सवात वैली से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन ही से हमारे इर्द गिर्द जो है ये पहाड़ और दरिया और जंगल ये थे, तो कभी दरिया पे जाना, कभी पहाड़ों पे चढ़ना, कभी जंगलों में आवारागर्दी, तो एक तो ये बचपन से ही एक शौक था। लेकिन जो जो एक्चुअली मुझे जो शौक जो है जो ज़्यादा बढ़ा है वो ये है, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा एक लेक है कंडोल लेक, तो कोई 20 साल पहले की बात है कि कुछ दोस्त गए थे वहाँ कंडोल लेक, और उस वक्त इस झील का नाम भी बहुत कम लोगों को पता था, तो और तब ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा था 5-6 घंटे, तो जब वो वापस आ गए तो मैंने कहा आप लोग गए थे कैसा रहा आपका, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अथरोड़ गांव से गए थे और 5-6 घंटे टफ ट्रैक के बाद हम लोग जो है ऊपर मुसलसल स्टीप पहाड़ पे चढ़ के जब बहुत थक गए, आखिर में जो है जब लेक के करीब पहुंचे तो एक कदम आगे बढ़ाया ऊपर उठाया तो सामने एक एक पानी का एक समंदर हमें नज़र आया पहाड़ों के ऊपर, और वो खूबसूरती जो है वो देख के हमें जो है वो सारी थकन दूर हो गई। ये बात मैंने सुनी तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये जगह कैसी होगी जो इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो बहरहाल प्लानिंग की और एक साल के बाद तकरीबन एक दोस्त को तैयार कर लिया कि वहाँ जाने, और वाकई 5-6 घंटे मुसलसल ट्रैक के बाद काफ़ी हम थक गए और मुसलसल चलते रहे, तो फिर वही हुआ कि अचानक ही हमारे सामने एक ग्रीन एक समंदर पानी का फैला हुआ वो नज़र आया, और वाकई वो सारी जो है वो थकन दूर हो गई और काफ़ी मज़ा आ गया। तो उस वक्त से मैंने सोचा कि ये तो एक लेक है और सवात वैली में, सिर्फ सवात वैली में 200 से ज़्यादा लेक्स हैं, तो ये लेक्स, ये ब्यूटी, ये जंगल, ये पहाड़, ये पासिस, ये सब्जार, ये एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया और अब तक अलहमदिल्ला जारी है। अच्छा जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। अगर इसी हिसाब से सोचा जाए कि इस किस्म की क्यूरियोसिटी हम बाकी जो है ना लोगों में कैसे डेवलप कर सकते हैं पाकिस्तान के, और क्या आप समझते हैं कि ये एरियाज अंडर एक्सप्लोर्ड हैं, क्योंकि हम तो ये समझते हैं, तो अब इस चीज़ को दूर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो कि उन एरियाज में जाएँ, क्या चीज़ें करनी चाहिए? तो आपकी ये बात दुरुस्त है कि वाकई ये एरिया जो है अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादातर एरियाज ऐसे हैं जो लोगों ने नहीं देखे हुए, और वो दिखाना जो है दुनिया को है। तो इस सिलसिले में जो है हम लोग जवान जो है, हमारी यूथ जो है, वो एक तो ट्रैकिंग का सबसे बड़ा एक जो फ़ायदा ये है वो कि फिज़िकली तो आप फिट रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पैदा हो जाती है। आप जो है कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं, आपका खाना वक्त पे आपको नहीं मिलता या कम मिलता है या उस तरह नहीं मिलता, इसी तरह सोने के लिए आपको बेड नहीं मिलता और आप जो है थक जाते हो, आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वो एक एक उसमें आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसमें आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, दोस्तों के साथ कलीग्स के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक लीडरशिप क्वालिटीज़ और एक अच्छे इंसान की खूबियाँ बन जाती हैं। तो यूथ में जो है ये चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात यह कि ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है कि यूथ को इस तरफ लाया जाए, बल्कि इसमें एज अ नेशन हम सब ने इसमें हिस्सा लेना है, चाहे इंडिविजुअल हों, चाहे इदारे हों, चाहे गवर्नमेंट हों। जैसे मैं अब इदारों की अगर बात करूँ तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे ये हाइकिंग और ट्रैकिंग क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो बननी चाहिए,
कुछ जगहों पे बेशक हैं लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह ज़ाहिर है इससे यूथ को जो है एक मोटिवेशन मिलेगी। कोर्स की बुक्स में जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी ट्रैकिंग और एक्टिविटीज़ जो एडवेंचर टूरिज्म है उसका हिस्सा होना चाहिए ताकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनको पता हो और वो उससे मोटिवेशन हासिल कर सकें। और उसके अलावा जो बाकी इदारे हैं जिस तरह अगर मैं कहूँ PTDC है या अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान और इदारे हैं अपने तरीके से हर बंदा जो अपने तरीके से अपना रोल अदा कर सकता है। हमारे जो बैरून मुल्क सफारत खाने हैं वो भी मोटिवेशन के तौर पर जब बाहर से लोग आएंगे तो हमारी यूथ भी जो है अल्टीमेटली जो है वो भी इस तरफ जाएगी। तो जो एम्बेसीज है उनको भी इसमें भरपूर अपना जो है हिस्सा अदा करना चाहिए ताकि लोग वहाँ से आएँ तो हमारी यूथ भी इंस्पायरेशन ले और वो भी इसमें शामिल हों। तो ये एक मुस्बत असर लामहाला हमारी यूथ पे पड़ेगा। अब मैं इसकी एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल दूं कि जो यहाँ पे एक इटालियन है कार्लो अल्बर्टो पेनेली जिनको हम बाबा कहते हैं प्यार से यहाँ पे और वो इसका मतलब भी समझते हैं। और आपको मैं बताऊं कि उनकी उम्र जो है 90 साल उनकी उम्र है लेकिन वो इटली से आते हैं कई सालों से और यहाँ हमारे लोगों को मुख्तलिफ कोर्सेस करवाते हैं उनको ट्रेन करते हैं नॉर्दर्न एरियाज में ताकि उनको उनकी कमाई का एक जरिया बने और यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व हो और काफ़ी यूथ को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है उनको ट्रेन किया हुआ है। फिर उसके बाद उनको जो है फॉरन से यूरोप से मुख्तलिफ ममालिक से ग्रुप्स जो है बना के वहाँ से भेज देते हैं और ये लोग जो है उनके साथ चलते हैं और एक उनका कमाई का एक जरिया बन जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हम यूथ को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और इन्वॉल्व करना चाहिए और मैं कहूँगा कि इसमें बड़ा अच्छा फ्यूचर है यूथ का क्योंकि पाकिस्तान जो है तकरीबन डोमेस्टिक टूरिज़म में 2 सालों में 30% इजाफा हुआ है जबकि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लोग जो है पहले आते थे वो अब बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो अब यूथ नहीं होगी हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं होंगे हमारे पास होटल मैनेजमेंट वाले लोग नहीं होंगे हमारे पास अच्छे गाइड्स नहीं होंगे तो उन वो लोग अगर आएंगे भी तो हम कैसे उनको अकोमोडेट करेंगे। तो यूथ को इसमें आना चाहिए इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और मैं यहाँ पे ये एक इजाफा करूँ क्योंकि मेरा तो इस फील्ड से ताल्लुक़ है तो कई ऐसे लोगों ऐसे जवानों को मैं जानता हूँ जिन्होंने चंद साल मेहनत की और इस फील्ड में टूर ऑपरेटर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूथ को इसमें आना चाहिए और वो आएंगे। जी सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की मैं आगे लेके जाऊँगा। एक तो ये आपने बताया कि जो है ना कुछ लोगों ने उसको एज ए बिजनेस अपनाया तो हम यहाँ पर यूरोप में भी देखते हैं कि जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है इनके ऊपर इन मुल्कों की जो है ना वो इकोनॉमी डिपेंड करती है तो अगर टूरिज्म रुक जाती है तो इनकी इकोनॉमी क्रम्बल करना शुरू कर देती है। और हमारे मुल्क में भी इतना ज़्यादा स्कोप है कि वहाँ पर भी टूरिज़म को इस लेवल तक लाया जाए। एक बात जो मज़ीद मैं आपसे पूछना चाहूँगा इंडिविजुअल लेवल पे यूथ की इंस्पिरेशन के लिए आपने बताया कि जब एक इंसान ट्रैकिंग के लिए जाता है वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उसमें सर्वाइव करना सीखता है जिससे लीडरशिप जैसी क्वालिटीज डेवलप होती हैं। तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं आपको इसके क्या क्या फायदे हुए हैं? देखिए एक तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा है कि फिजिकली आप बहुत फिट रहते हैं, मेंटली तौर पे आप और लोगों से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जो ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है उसके बाद तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम लोग एक दफ़ा ट्रैकिंग कर रहे थे तो रात को हम लोग एक जंगल में जो बहुत घना जंगल था और रात हो गई रास्ता हम भटक गए और चूंकि रात थी तो वो हेड टॉर्च हम लोगों ने वो हेड लैंप लगाए हुए थे तो वहाँ पे रास्ता जब भटक गए तो हज़ारों फुट नीचे वो पानी था और हम लोग कोई रास्ता नहीं था तो परेशानी थी कई दो जो है परेशान भी हो गए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस तरह परेशानी से तो कुछ नहीं होगा हमें कुछ करना चाहिए तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने वापसी दोबारा उस रास्ते की तरफ गए और बहुत मुश्किल से वो अपना रास्ता ढूंढा और काफ़ी मुश्किल से
मुसलसल 18 घंटे कुछ खाए पिए बगैर ट्रैक करके हम वहां से निकल आए। तो ये एक सबक हमें मिला कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी टेंस सिचुएशन हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हर मसले का सलूशन होता है और वो सलूशन निकाल के उसका हल अप्लाई करना चाहिए। तो आम जिंदगी में ये सबसे बड़े इसके फायदे हैं। और एक तो ये है कि जिस तरह आप देखते हैं कि जो हमारे जॉब्स वगैरह जो फॉरन या जहाँ पे भी हैं वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। एक आपको पता है, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, एक सोशल वर्क और दूसरा जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ कि आपने अपनी किताबों को पढ़ने के अलावा और आप क्या करते रहे हैं, किन चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आपको एज मिलता है लाजमी। बहुत शुक्रिया सर। एक चीज़ इसके अंदर जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहूँगा वो ये कि मैंने आपको एज ए उस्ताद देखा आज से बहुत साल पहले, और उस वक्त भी आप फिजिकली बहुत एक्टिव थे, हमारी हॉकी टीम के कोच थे, हमें हॉकी सिखाई कॉलेज में, ना सिर्फ हमें स्टैटिस्टिक्स बल्कि साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपने बहुत सपोर्ट किया, और आप उन चंद एक उसाजा में से जो हमें इस चीज़ के लिए इनक्रेज किया करते थे कि अपना टाइम निकालो और खेलो भी। तो दिस इज़ समथिंग जो कि हमारे साथ रही फिर आगे अगले जो साल थे उनमें भी। तो एक तो वो चीज़ थी। तो बहसियत उस्ताद आपका एक्सपीरियंस, बहसियत स्पोर्ट्समैन आपका एक्सपीरियंस, और फिर अब आप क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप गवर्नमेंट के भी रमूज और मकासद को जानते हैं कि अंदर क्या कुछ होता है, और उसके ऊपर आपका ये जो पिछले दो जो डेकेड्स हैं उनका ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस, तो अगर इनमें सारी चीज़ों को कंबाइन करूं तो आपसे फिर एक नेचुरली ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अब आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सपोर्ट मिले तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं या मजीद अच्छा कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको। जी जिस तरह आपने कहा है तैमूर के राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्पोर्ट्स के साथ और ट्रैकिंग के साथ और इस तरह की एक्टिविटीज के साथ मेरा वास्ता रहा है, और आपने देखा होगा कि एक कहूटा कॉलेज में तो बच्चे जो है उनको हॉकी पकड़नी नहीं आती थी, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि इंडी बोर्ड में दो दफ़ा सेकंड पोजीशन आई। तो एनीवे अब हम आते हैं कि हमारे पास कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह हमें सपोर्ट किया जाए। देखिए पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को शौक़ होता है वो तो रास्ता निकाल ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से, बहुत महदूद वसाइल के साथ भी, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग की जो हॉबी है ये काफ़ी महंगी है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको जो शूज़ चाहिए वो भी 25,000 का एक जोड़ा आपको मिलता है यहाँ पे। इसी तरह क्रैम्पॉन्स देखें तो 12-15,000 के क्रैम्पॉन्स, और टेंट छोटा सा कैंप आप लें तो 8-10,000, और स्लीपिंग बैग 10,000 से ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेज करना एक इंडिविजुअल के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो पहले तो गवर्नमेंट का इसमें रोल आता है, और वो सपोर्ट जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की सूरत में भी सपोर्ट हो सकता है। ये एक सपोर्ट है जो सबको इक्वली मिलेगा, जो फॉरेनर्स आते हैं उनको भी मिलेगा और हम लोग भी इससे मुस्तफीद होंगे, क्योंकि जहाँ वहाँ से लोग आते हैं हज़ारों डॉलर खर्च करके और फिर मेन लोकेशंस को छोड़ के साइडों पे नेचुरल ब्यूटी देखने जाते हैं और वहाँ उनको कोई होटल कोई किसी किस्म की फैसिलिटी वो नहीं मिलती तो वो क्यों आएंगे। तो एक तो यही चीज़ हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसकी बेहतरी वो यकीनी बनाई जाए। दूसरा ये है कि इको टूरिज़म ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब पूरी दुनिया इस पर दे रही है, लेकिन हम लोग जो है अपने एक इतने खूबसूरत मुल्क को गंदा कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं, इको सिस्टम अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस पर ज़ाहिर है ये भी एक हुकूमत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लॉज हैं अगर नहीं है तो बनाए जाएं, अगर हैं तो उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें निजी शोभा भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जिस तरह जंगलात की कटाई हो गई, गंदगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए।
बाकी सपोर्ट की बात में तो जो जो एक्टिविटीज हमारी कंबाइंड चलती हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नेशनल लेवल पे ट्रैकर्स मीटअप करते हैं, पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े क्लाइंबर्स और ट्रैकर्स आते हैं, वो जो है आपस में इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं, बहुत एक रिच एक्सपीरियंस होता है। उस पर हम काफ़ी खर्चा करते हैं, लाखों रुपये हम खर्च करते हैं, और इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट जो मुतालिका इदारे हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन कोई पॉजिटिव हमें रिस्पांस नहीं मिला की। और बाकी चीज़ों पे तो काफ़ी मतलब गवर्नमेंट खर्च करती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुतालिका डिपार्टमेंट जो है जो जो काम की चीज़ें हैं उनमें अगर तो उनको प्रायोरिटी दी जाए, उन पर खर्चा किया जाए, ऐसे लोगों को ऐसी तंजीमों ऐसे इदारों को स्पॉन्सर किया जाए, तो आई होप बहुत हमारे यहाँ टैलेंट है और बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन वसाइल की कमी है, उस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की बनती है, फिर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वहाँ से लोगों को जो है मोटिवेट करके लाएँ। इस तरह मैंने आपको कहा है कि एक 90 साल बूढ़े इटालियन कार्लो अल्बर्टो फेनाली आता है वहाँ से इटली से, यकीन करें चीज़ें लोगों से ले लेके सेकेंड हैंड चीज़ें और मुख्तलिफ वो जमा करके पाकिस्तान ले आता है और हमें लोगों को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि ये लोग जो हैं ये उनके ये पैसे बच सकें और वो अपना जो है फ्यूचर जारी रख सकें इस फील्ड में। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की और हमें सबको जो है हमारा प्यारा मुल्क है और हम सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में बेहतरी आए और रोजगार के मौके मिल सके। शुक्र साहब, कुछ फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैसेज यही है कि हर बंदा अपने अमल का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम हर बंदा अपनी कोशिश कर सकता है, चाहे हम मुल्क में बैठे हैं चाहे बाहर हैं। तो मैसेज ये है कि हम अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें, जिस तरह वो कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हमें सोल्यूशन का हिस्सा बनना है, प्रॉब्लम का नहीं। हम कोशिश करें कि जो हमसे हो सकता है वो हम करें, हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो कोशिश करें, हमारे इदारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो कोशिश करें अपने तौर पे, इस मुल्क को हमने बेहतर बनाना है, उसको आगे लेके जाना है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है कि वो इस सिलसिले में कदम उठाएँ जो मैं जिक्र कर चुका हूँ यहाँ पे, या फिर हमारी एम्बेसीज हैं, फिर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो लोगों को मोटिवेट करें, अपने असलों को इस्तेमाल करें। यहाँ पे बाहर से लोग आएंगे तो एक तो हमारे पास जर में बादल आएगा, दूसरा यहाँ पे बेशुमार जॉब मिलेंगे। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जस्ट आप इमेजन करें कि पाकिस्तान में सिर्फ $330 मिलियन की इंडस्ट्री आज कल है, जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि 2025 तक $6 बिलियन पे ले जाया जाए। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है लेकिन ये जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर, हम नेपाल से बहुत आगे हैं, हम चाइना नेपाल इनके जो मजमूई जो पीक्स हैं 7,000 से ऊपर उनसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। इतना पोटेंशियल है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बेशुमार हज़ारों जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं अगर गवर्नमेंट इसको बच्ची करे और हम लोग भी अपना हिस्सा अदा करें। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम में से वक्त निकाला और हमें दिया और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। तो व्यूअर्स के लिए हम इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा, और आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अच्छा